अपने घर में पौधा लगा लो, फूल मिल जाए। अपने घर में गौ माता को पाल लो, दूध मिल जाए। अपने घर में गौ माता को रख लो, दही मिल जाएगा। अपने घर में जल भी है, अपने घर में बेलपत्र भी है, अपने घर में दूध भी है, अपने घर में बेलपत्र पुष्प सब अपने घर में। संग पैसे का कोई काम नहीं है, धन का कोई काम नहीं है। शिव जी की पूजा में अगर चाहिए तो केवल तुम्हारा मन चाहिए। जितने दिल से तुम शिव को भजोगे उतनी जल्दी तुम्हें शक्ति। शिव को धन की जरूरत नहीं है। मेरे भोलेनाथ जी को अगर धन की जरूरत होती तो बैकुंठ में निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो ब्रह्मलोक में निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो इंद्रलोक पर निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को जरूरत होती तो सोने की लंका में निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो कुबेर के सिंहासन पर मेरे भोलेनाथ बैठे हुए होते। पर मेरे भोलेनाथ धन के लिए नहीं, कोई आया लंकाधिपति रावण जैसा आता है जिसको सोने की लंका दे देते हैं। चोर चोरी करने मंदिर में आता है उसको कुबेर का सिंहासन दे देते हैं। भगवान जो मेरे शिव जी के पास में आता है भगवान उसको उठाकर अंबानियां धन दौलत संपदा सब कुछ दे देते हैं। और मेरे देवदेव महादेव कैलाश पर जहाँ ना मकान है, ना घर है, ना कोई कंदरा है, ना कुछ है, ना वहाँ पर कुछ भोजन का है, ना वहाँ पर कुछ रहने का है, ऐसे कैलाश पर दुनिया के लोगों का भंडार भरकर मेरा कुबेर भंडारी तो कैलाश पर निवास कर लेता है। उसको धन की जरूरत नहीं, उसको वैभव की जरूरत नहीं, उसको सत्ता की जरूरत नहीं, उसको सामग्री की जरूरत नहीं, उसको तो दिल की जरूरत है। जिस दिन तुम मेरे ओघड़दानी को दिल से पुकारोगे, जिस दिन ओघड़दानी को दिल से तुम पुकार लोगे, जिस दिन हृदय को पवित्र बनाकर एक लोटा जल लेकर शंकर जी को चढ़ाने के लिए पहुँच जाओगे, उस दिन मेरा ओघड़दानी तुम्हारी झोली भर जरूर देगा, ये निश्चित। हृदय से तुम शिव को रिझाओगे तेरा ओ घरदानी तुम्हारी करी। आकर्षण से शिव नहीं मिलेंगे। आप दुनिया का कितना भी दिखावा कर लो, आप दुनिया का कितना भी आडंबर कर लो, उससे मेरे शंकर नहीं मिले। भाव मेरे देवदेव महादेव को दे, अपने भीतर का भाव जिस दिन तुमने देवदेव महादेव को समर्पित